Redmi Note 5 Pro के लिए जो है LineageOS 21.0 का फर्स्ट रिव्यू करने वाला हूँ Android 14 का। अभी तक रिव्यू नहीं किया था LineageOS Android 14 का, तो यहाँ पे नोप नोप गाय की तरफ से जो है ये बिल्ड आया हुआ और ये डायनेमिक पार्टीशन रोम है, बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है। डिस्क्रिप्शन पे आपको इंस्टॉलेशन वीडियो मिल जाएगा, रिकमेंडेड रिकवरी भी, तो वही आपको यूज़ करना है। बाकी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अबाउट फोन के अंदर ऐसे बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जिसमें साइकिल्स काउंट होगा। एंड्रॉयड वर्जन में जाते हो तो LineageOS 21.0 का ये अनऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच पर भी 2024 का है, वेंडर नवंबर 2018 का मिलता है। एंड कर्नल यहाँ पे 4.19 बेस जैसे कि मिल जाता है क्वांटम हेवन का, तो ये जो है कर्नल रहेगा। और इसके अंदर एनिमेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, ये चीज़ मुझे QS पैनल काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर एनिमेशन कोई भी ऐसा लैग है भी देखने को बिल्कुल भी नहीं है, लाइट जिटर भी कभी कभार रहता है तो उससे कोई फ़र्क मेरे हिसाब से पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे काफ़ी सारे टाइल्स भी देखने को आपको मिल जाते हैं इसके अंदर में। एडवांस रिस्टार्ट भी है जो कि सेटिंग्स आप इनेबल कर लेना, तो ये सब है। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा लैग होता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग नॉर्मल है। बाकी वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड हो जाता है, ऐप ओपनिंग जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छी है इसके अंदर में, ये भी जो है काफ़ी स्मूथ है। बस रोम को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम दे देना, 2 से 3 घंटे। बाकी यहाँ पे क्या है कि स्क्रीनशॉट रीसेंट पे तो है, बट आपको स्वाइप्ड स्क्रीनशॉट 3 फिंगर स्क्रीनशॉट की बात करें तो वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो इसके अंदर अपर्चर का कैमरा आता है प्री इंस्टॉल में, बट GCam आप मैनुअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे, अच्छे तरीके से काम कर जाता है। तो GCam अगर आपको यूज़ करना है, जैसे मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, वर्किंग है तो यूज़ कर पाओगे। एंड ऑडियो इफेक्ट्स इसके अंदर मिलता है जिसका यूज़ कर पाओगे। FM मिल जाता है, FM भी आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। और गैलरी इसके अंदर नॉर्मल ही आती है, बट गूगल फोटो इंस्टॉल करने के बाद भी आपको कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट यहाँ पे इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। और ओके गूगल का बग रहेगा। बाकी प्री इंस्टॉल म्यूज़िक प्लेयर भी एक डिफ़ॉल्ट मिल जाता है इसके अंदर में। बाकी प्ले स्टोर अगर बात करें तो नॉट सर्टिफाइड है, तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड कैसे करना उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, तो वीडियो आप एक बार फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगा। और वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी ऐसा कोई लैग नहीं करा, काफ़ी जल्दी यहाँ पे रीलोड कर ले रहा है। कलर्स के ऑप्शन काफ़ी हैं, एंथीम्ड आइकन है, अपग्रेड है, आइकन पैक है, फॉन्ट है, आइकन सेप है, तो ये सब भी मिलेगा। लेकिन लॉक्सिन के अंदर आपको क्लॉक स्टाइल इसके अंदर नहीं मिलता। और जो कलर के ऑप्शन है इनमें हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कलर्स का यूज़ कर पाओगे। बाकी लॉक्सिन शॉर्टकट है, मोर लॉक्सिन के अंदर में डायनेमिक क्लॉक और एडवांस सेटिंग्स आपको मिलता है जो कि एम्बिएंट डिस्प्ले का, तो ये सब यहाँ पे रहेगा। वहीं कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल का आपको इसके अंदर बग मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग का बग मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से वर्किंग है और कॉल रिकॉर्डिंग है, बट मैनुअली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो तो मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर ये अच्छे तरीके से वर्किंग मिल जाएगा। और बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 81% बैटरी मिला है। और बैटरी यूजेस भी जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो 69% चार्ज करने में 2 आवर 10 मिनट का टाइम लगा है, जो कि 4.19 बेस्ड कर्नल है, तो इसमें अच्छे से चार्ज हो जाता है। बैटरी ड्रेन में 48% नाइट में था, मॉर्निंग में 47%, तो सिर्फ 1% का नॉर्मल ही ड्रेन देखने को यहाँ पे मिला इसके अंदर में। और एंटूडे स्कोर को लेके थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लगा, ये जो है टेस्ट नहीं कर पाया इसके अंदर, कभी 88 पे फ्रीज हो जा रहा, रुक जा रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, कभी 90% पे, आधे आधे घंटे के लिए भी छोड़ के देखा, बट कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर CPU थ्रोलर की बात करते हैं तो 90% मिला और इसका जीप स्कोर मैक्स पे 140,000 है, एवरेज स्कोर 129,000 हमें इसके अंदर मिला है। अब यहाँ पे जो गीगबेंच स्कोर आया सिंगल में 302 आया, मल्टी स्कोर में 1083 देखने को मिला, तो कुछ इस तरीके के जो इसके स्कोर हैं बैलेंस टाइप के नॉर्मल जो मिलते वो मिले हैं। और इसके अंदर सेटिंग में नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाते हैं यहाँ पे, तो हॉटस्पॉट का यूज़ आप कर पाओगे, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और प्राइवेट DNS भी आपको मिल जाता है क्लाउड फ्लेयर का। एंड कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर कास्ट का यूज़ आप कर पाओगे, ये भी यहाँ पे वर्किंग है। ऐप्स के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो है वैसे लॉन्चर इसका जो मिलता था हमेशा लॉन्चर वही है और नॉर्मल सा रहेगा, लॉक लेआउट का या हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का मिल जाएगा, यूज़ थीम्ड आइकन इन ऐप ड्रॉयर के लिए मिल जाएगा, तो ये सब यहाँ पे है इसके अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर वैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट या फ्लश नोटिफिकेशन जो मिलता है एंड्रॉयड 14 के साथ, ये सब है। एंड बैटरी के अंदर यहाँ पे बैटरी सेवर है, चार्जिंग कंट्रोल को मिलता है जिसमें चार्जिंग शेड्यूल्स आप सेट कर सकते हो या लिमिट सेट कर सकते हो चार्जिंग की, तो वो आपको मिल जाएगा। बैटरी लाइट के लिए भी है जो कि काम करता है। और
नीचे आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन एंड हैप्टिक मिलेगा जो कि ये भी वर्किंग है यहाँ पे। और नीचे फिर यहाँ पे चार्जिंग साउंड का मिल जाएगा, कोई भी साउंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं, सिर्फ एब्डोर के अंदर ऑडियो इफेक्ट्स मिलता है। एंड डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है डार्क थीम में वैसे ही प्योर ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नाइट लाइट है, लाइव डिस्प्ले है, रोटेशन मोड्स मिल जाते हैं, फुल स्क्रीन ऐप्स है, टैप टू वैक है, टैप टू स्लीप है, वैक ऑन प्लग का मिल जाता है, तो ये सब भी यहाँ पे दिए गए जो कि सभी काम कर रहे हैं। एसेबिलिटी के अंदर आपको एक्स्ट्रा डिम का सपोर्ट मिलता है, तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और सिक्योरिटी में जाते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो है फिंगरप्रिंट मिलता है और इनहैन पिन प्राइवेसी स्क्रैम्बल आउट मिल जाता है लॉकिंग के लिए। बाकी जो हमारा फिंगरप्रिंट है ये अच्छे तरीके से काम करें। एनिमेशन जो है बट काफ़ी सॉफ्ट वाला एनिमेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोर सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे जैसे ये रोम जो है बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है, जो कि स्टार्टिंग में भी आपको बताया, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है ये रोम। और ऐसे एनिमेशन एनिमेशन के मामले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा एनिमेशन इस रोम के अंदर। और नीचे आओगे सिस्टम में तो फिर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है इसका स्टेटस बार, जिसमें नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर मिलेगा, काम कर रहा है, सिस्टम आइकन्स मिल जाते हैं, हालांकि वोल्ट आइकन नहीं है इसके अंदर में, नेटवर्क ट्रैफिक मिल जाएगा, क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाती है, बैटरी स्टाइल नॉर्मल ही रहेगा यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा। और नीचे ब्राइटनेस कंट्रोल या ऑटो ब्राइटनेस का आइकन जो है ऑन ऑफ कर पाओगे। बटन के अंदर जाता हो तो यहाँ पे पावर मेन्यू है जिसके अंदर एडवांस रिस्टार्ट आपको ऑन ऑफ करने के लिए मिलेगा, लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च है, एंड क्लिक बोर्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपका, क्लिक टू पर्सन स्क्रीनशॉट वॉल्यूम पैनल लेफ्ट के लिए। एंड जेस्चर के अंदर नेविगेशन मोड है जिसमें आपको यहाँ पे बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स के लिए मिल जाएगा, और 2x10 नेविगेशन है और 3x10 नेविगेशन मिल जाता है जो कि काम करे ये भी अच्छे तरीके से। इनमें भी कोई एनिमेशन को लेकर दिक्कत नहीं है, एनिमेशन आपको अच्छा ही मिलेगा यहाँ पे। और 100 मोड है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिलता है, और फिर नीचे अपडेटर दिया गया, और कुछ यहाँ पे हमें नहीं मिलता। तो काफ़ी सिंपल, काफ़ी लाइट वेट रोम आपका ये रहेगा और काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ में आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके गेमिंग को लेकर के, तो गेमिंग मोड नहीं है, बाकी एनिमेशन पे यानी जो ग्राफिक अनलॉक है स्मूथ पे मीडियम एंड बैलेंस पे मीडियम, उसके आगे अनलॉक नहीं आता। एंड स्मूथ एंड मीडियम पे मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ गेम। और गेमिंग के लेकर के अगर बात करूँ तो गेमिंग है जो कि इसके अंदर मुझे अच्छी नहीं लगी है। बाकी अगर बात करें एनिमेशन, खासकर काफ़ी सारे एंड्रॉयड 14 रोम्स में लैग होता है, बट यहाँ पे एनिमेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस आपको बताया जो अगर आपको यूज़ करना होगा तो सिंपली इंस्टॉल करने के बाद जो है कम से कम 2-3 घंटे का टाइम देना सेटल होने का रोम के लिए, तो उसके बाद एनिमेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एनिमेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी इस रोम की है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से तो जरूर थोड़ा लैग होता है, बट ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें ऐप ओपनिंग या बाकी जगह एनिमेशन वो अच्छे हैं। बस गेमिंग में अगर आप देखोगे तो गेमिंग आपको अच्छी यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो गेमिंग को आपको इग्नोर करना होगा, बट नॉर्मल एनिमेशन के लिए ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें मिसिंग भी है यहाँ पे, काफ़ी लाइट वेट है और कुछ चीज़ें मिसिंग है अभी फिलहाल, आगे जाके ऐड होता है कि नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। जैसे कि स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको करना है तो फिर रिसेंट से कैप्चर करना पड़ेगा, या पावर मेन्यू में जो शॉर्टकट दिया गया है उसका यहाँ पे उसको यूज करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी होगी। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।